Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. विदाई सभा नहीं है, विदाई समारोह। इसे समारोह करना चाहता हूँ क्योंकि हम जहाँ भी नौकरी करते हैं अपने पहला परिवार देखते हैं, फिर अपने समाज देखते हैं, फिर नौकरी अंतिम में विदाई होती है। हम लोग जितना भी नौकरी किया मैक्सिमम चाहिए जो कहीं एक थे, पहला फॉर्मूला था वही पहला नौकरी था नीति मैडम के, प्रिया मैडम की और जैन भाई का, वो कभी नहीं भूलेंगे। चाहे जितना बड़ा भी पोस्ट हो जाए वो कभी नहीं भूलेंगे। और इसलिए मैं नीति मैडम, रिया मैडम और जैन का भविष्य का सुनहरे भविष्य कामना करता हूँ। याद है जब आई थी नीति मैडम पहले, हमको याद है कि पहले 8-10 दिन के बाद हम लोग बात करते थे। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आता है तो हम लोग देखते हैं उसको, 10-15 दिन देखते हैं वो रहेगा, हम लोग बात करते हैं, नहीं रहेगा, सम्मान नहीं है, वो दिल्ली से आए, नोएडा से आए, नहीं रहेगा, ऐसे बात होते हैं। लेकिन मुझे याद है वो दिन जब निकू को शायद 6 महीना 8 महीने से हुआ था, छोटा था, और उसका पापा के साथ जब वो मैडम छोड़ी, हम लोग सोचे, प्रिया मैडम जब यहाँ आए थे हम लोग सोचते थे बिहार झारखंड राज्य कैसे हो, रास्ता बहुत व्यूट। लेकिन वो सब हमारा जो भी इमेजिनेशन हमारा सब छूट गया। और मैडम भी सबसे बात अच्छे की, क्योंकि मैं भी जानता था, मैं बिहार में था, मैं पता उन लोग अच्छे होते हैं। और जैन भाई उनका क्या बोले, एक चीज मैं जैन से सीखा हूँ, कभी कुछ बोले मैं उनको साथ साथ ऑब्जर्व किया हूँ, कुछ भी बोले जैन भाई को तो वो कभी तर्क नहीं करता। सबसे बड़ा गुण उसमें कोई चीज पर तर्क नहीं करता था, किसी बात पर ना नहीं करूँगा, ये करूँगा, सिर्फ हाथ से करता। और अंतिम में यही मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और उनको लफ्ज नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बचपन में सुना था अच्छे ही होने को सीमा नहीं है, कोई कैटेगरी में सर आते हैं। और हम लोग परिवार के मुखिया होने के कारण हम जब भी कोई भी चीज़ लेके जाते हैं तो अक्सर हंस हंस के आते हैं, हंस हंस के जाते हैं, वही खूबियाँ उनमें हैं। और अच्छे होने का कोई भी सीमा नहीं है, सर का बहुत एक्सपीरियंस है, क्यों अनुभव है, सर बहुत नॉलेज है। और और बाकी जब मैडम आए हैं, मैडम कब आए थे सबसे बहुत बता चुके हैं, तो मेरा पास में पते नहीं है क्या बताऊँ, लेकिन इतना कहूँ कि मैडम और हर जगह पर वो उसको मतलब सही तरह से कर लेते हैं। और एक मतलब एक बहुत अच्छा गुण है, किसी भी समस्या को बहुत सुंदर समझा के और आने वाला कोई है नहीं तो ऑब्वियसली मुश्किल बनने वाला है। और हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लोग, जिन लोगों के साथ एक साल हम लोग बिताया, बहुत ही अच्छा पल रहा। सबसे पहले बारिक सर जो कि बहुत खुशनुमा आदमी हैं, स्टाफ रूम को हमेशा लाइवली बनाए रखते हैं, और आज भी उन्होंने नया नया एक दो टर्म इन्वेंट किया है, तो इनका जाना ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ज़्यादा खलेगा। नेक्स्ट ईयर सर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप फिर से आए। मूर्ति सर बहुत सीनियर आदमी हैं, बाहर गए हैं।
शास्त्री सर बहुत ज़्यादा एज गैप है हम लोगों के साथ, लेकिन एकदम फ्री हो जाते हैं। 2G 3G और 6G में फर्क नहीं जाता है। सर से एक चीज़ सीखने को मिला कि अपना काम साइलेंटली करो, और हमेशा सर एकदम साइलेंटली रहते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ये सर से सीखने को मिला। प्रिया मैडम ज़्यादा बात करती नहीं है, लेकिन मैं आखिर में जाते जाते उन्होंने 2 चार्ज हमको कोई बात नहीं, ऐसा नवोदय का नियम है। तो उससे पता चला कि वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे हमारे मिश्रा सर ने बताया। बहुत बार इनको बैरा सर में देखने को मिलता था, मुझे लगता है मैडम घूमते रहते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हमारे जयंत भाई, लग नहीं रहा है कि एक साल से उनको पहचानता हूँ, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही उनके साथ पहचान है। हमेशा हंसमुख चेहरा और कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत अच्छे से हो पाता है। उनका जाना भी हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत ही एक्टिव आदमी है, बहुत सारा काम संभालते हैं, सारे लैब्स का काम संभाल लिए। Principal, vice principal, often is lab attendant. From all categories, people are living this Vidyalaya. So of course it is a very big loss. I will say tragedy. But our loss is somebody else's gain. That is the thing. So we are losing them, and somebody else will, other school will gain this asset. They will have this asset. So that is the balance shown by nature, I mean. And what is the most that all of them are going to their place of choice. Choice place, they are taking request and transport. So in that way, we can console ourselves. Though it is a sad thing. But we try to console by saying that they are, all of them are happy that they have got their children. Impression of all the teachers has been very high because of their dedication for this institution. Niti ma'am, she has been very active in her academic, non-academic, and family life. She has been a very brave lady, I can say, in this aspect. And, she and also Priya ma'am, both were good teachers. Both are here. They were good teachers and they were loved by their students. This is a great thing. The greatest asset or achievement of a teacher is to be loved by these are our students. That is what I think. So they have got the asset for their achievement. Thank you, sir. Our Tapranjita sir, Murthy sir, Jethe Logo Aishanthi, Samastam Karo Work Style. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ଆମେ ତ କମ୍ ବୟସ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ, ଯେତିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ ମୁଁ ଭାରି ସମ୍ମାନ କରେ। ସାର୍ ଇସାରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମିଛ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେ ମିଛ ମୋଡ଼ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ମନେ ଥଟା କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ କିଣା, ବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ଆମ ସହିତ ଭାରି ଭଲ ମିଲ୍ ରହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆହୁରି ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାର୍ ତ ଏଠାରେ ଆସିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ନୀଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆଶା କରିବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଆସିକିରି ସ୍କୁଲର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କିଛି
आईटी के लिए आसन तो स्कूल को तांगर चेंज है सीएफसी से गन नहीं बोली से कोती मैं सुन दी जीडी आईटी के आसन तो एवं हमरो सहित मिसिग्री स्कूल एवं पिलांगर उन्नति सका से हमें वीडियो से काम करे प्रिया मैम तुम हो कि वैसे के अगर जो ध्यान लोग से तो जी झगड़ा लोग कथा कथा के कहते अखड़वा बोल लेकिन सब लोग शायद समझ गए हैं अभी कल ही हम लोग जैसे लग रहा है 2018 में हम लोग आए नीति मैडम के साथ हम लोग यहाँ पे एक साथ आए थे कंप्यूटर मैडम ये हमारा म्यूजिक मैडम दो दो चार दिन का गैप था आपके पास मैं यहाँ पे ट्रांसफर आया मैडम आए नवोदय परवा के बारे में मैं ज़्यादा सुना नहीं था उस टाइम मेरे मैं भी बहुत बिल्कुल कम जानता था इस तरफ हमारा मतलब जो आना जाना का रास्ता है ही नहीं बिल्कुल कम जानता था नवोदय के बारे में और फिर आगे यहाँ पे हम लोग सेटल हुए और आप लोग सब एक्चुअली मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मैं खुद को बहुत कभी कभी गौरवान्वित महसूस करता हूँ फिर भी मैं इतना जानता हूँ जयंत भाई से शुरू करता हूँ इतना सुंदर से बोलते हैं मन खुश हो जाता है मैं तो भाई थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जरा करवा दीजिए या फिर कुछ काम के लिए बोलते हैं कभी ना नहीं बोलते ये बहुत अच्छा है बहुत कम लोगों में बाकी होता है उनको बोलते हैं भाई इधर पानी ये हो रहा है वो हो रहा है सब काल देखेंगे उसके बाद में बोल रहा हूँ वो मेरी बातें पसंद नहीं लेना तो इस टाइम पर नवोदय में जो हम घूम मिलकर रहते हैं आपका जो पर्सनैलिटी है बहुत खुश लगता है आपको बात करने से भगवान ने लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा ही रूप दे दिया है भगवान करे आगे जाके वो आप उसको कैसे संभालेंगे भगवान ही आपको हेल्प करे उनका जो मैं जो प्रॉब्लम उनका बेटा को देखने के बाद भी बहुत खुश हुआ बहुत कष्ट हुआ वो जो कष्ट माँ माँ और पिताजी ही समझ सकते हैं और बाकी कोई नहीं समझ सकता उद्धार देखता हूँ घुमाते हैं उनका बच्चा को तो मेरा आपकी आँख से पानी आ रहा था मैं थोड़ा सा समझे वाला आदमी है वो देखने से मैं सहन नहीं कर पा रहा ठीक है भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे उनका जो दुख है दर्द है कैसे कम हो इतना ही हम कर सकते हैं क्योंकि बाकी सरकार आप जहाँ भी जाए जहाँ तो भाई अच्छा से रहे और प्रिया मैडम तो कम पैसा में मिला हूँ फिर भी इतना दिन काम कर लेते छुट्टी पकड़ देने तो उनका उसी नाम को संभाल कहाँ रात 9 बजे 10 बजे मैडम को बोला सर रात 9:30 बजे आ रहे हैं मैं हॉस्टल से आने का टाइम में बाहर रास्ते में देखा कहाँ से आ रहे हैं रात 9:30 बजे बलांगीर गए इसके साथ मैडम पैसा अध्ययन पूछ देखने से आप 5 आदमी भाग गए मैडम इतना डेरी है अच्छा है मैडम इस तरह से आप जहाँ भी जाइए और आगे बढ़िए नीति में तो मुझे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ फिर भी उनके काम के प्रति मैं देखा हूँ उनका अच्छा पकड़ रहता है बच्चों से अच्छा पढ़े थे मैं बच्चों को मुझे मुझे बोलते हैं कि क्लास के बाद में तो अच्छी भगवान करे आप जा रहे लास्ट में उत्तर शास्त्र में सूरज देख गया तेरे आगे झुक गया जब कभी ऐसे कोई मस्तानी निकली है अपनी धुन में दीवानी शाम सुहानी बन जाती है बिन इंतजार के ओराही आपको
अपने मुल्क का ये जो हमारा सर्विस लाइन है पता है कि हम एक त्याग में प्रश्न होते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं ट्रांसफर में अपना विलिंग में या और किसी कारण में हम ट्रांसफर जाते हैं और रिटर्न करते हैं। तीन जो है इसमें से आज ये जेल भी सोनपुर पाँच जो है हमारा सार लोग एक मैडम प्रिया मैम जैन और कुंसल सर हाई स्कूल सर सर छोड़ते चले जाएंगे और ट्रांसफर तो अपना रिक्वेस्ट मैसेज में जा रहे हैं, अपना ठीक जगह में जाने के लिए वो लोग चेष्टा कर रहे थे, वो ये मिल गया वो चले जाएंगे। और जो सर लोग आए थे कॉन्ट्रैक्ट टीचर के सर से लोग सब एक साल हम यहाँ उनके साथ काम किए। पहले मैं मूर्ति सर के बारे में बोलूँगा, ये सर के बारे में मेरे को पहले एस के मिश्रा सर बता रहे थे कि एक सर थे मूर्ति सर मेरी सर वहाँ हम यहाँ थे और वो सब हम ऐसा सर कर रहे थे। फिर जब सर आ गए तो उनके साथ कुछ दिन मिलने के बाद पता चला कि एक्चुअली जो एस के मिश्रा सर बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। और हमेशा जब भी मैं कुछ बोलता हूँ जितना भी लोग थे सब जो जा रहे हैं उन लोगों को भूलना मुश्किल है। और दूसरी बात है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो लोग जहाँ भी जाएंगे हैप्पी हेल्दी एंड प्रस्परस लाइफ विद देयर फैमिली वो लोग रहें, इतना ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। Good evening to all of you. Several जब आता है सब लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बट ठीक है इमोशनल एक जगह हम लोग जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठे होने के लिए बहुत अच्छा काम है। हम लोग के बीच ऑपरेशन ये जो है किसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ बैठ पाए और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पहले जो थे या हमारे जो डिपार्टमेंट टीचर्स थे इनमें एक चीज़ हुई था आप लोग जानते हैं कि नो वर्ड नहीं मिल जाते मीन्स ऑल आर यस मैन। और एक इंस्टीट्यूट में अगर यस मैन का ज़्यादा है मतलब यस मैन अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। और जहाँ नो नेगेटिविटी आ जाता है वहाँ उसी इंस्टीट्यूट कोई भी आप घर में भी देखिए वहाँ पे जहाँ नेगेटिविटी गुस्सा मुंटी सर बड़े भाई जो भी बोलने से बोलते कहीं सुन बोले कहा उम्र में बड़ा है ज्ञान में बड़ा है पद में भी बड़ा है कोई पद से बड़ा नहीं होता है पद में पता चलता है कि ज्ञान कितना है और अपना काम कैसे अच्छा से करता है। तो मूर्ति सर जो भी काम करने से करते हैं उनका तो पता भी नहीं कौन सा पद में नहीं मैं कोई कौन सा काम नहीं करते थे। मैं उनको बोला बहुत काम करते हो आओ मैं पाँच मेरे पास जाओ मेरे जैसे पास मैं बैठा नहीं पाया मैं बैठ आ रहा हूँ लेकिन वो बैठे हैं सर अभी जाना जाने का समय हो गया है और जाएंगे फिर ठीक है। तो काम करना ना निस्वार्थ और निस्वार्थ रूप से काम करना में बहुत अंतर तो ठीक है। तो इसी के लिए साथ को तो हम यहाँ काम दे नहीं पाएंगे लेकिन काम हो गया मैं ऑफर दे रहा हूँ अगर चलेंगे साथ तो जा सकते हैं है काम भी मिलेगा और मान भी मिलेगा। दूसरा है सुस्मिता मैडम अगले साल इसी लाल जा रहे हैं पहले बार एक बार आए थे मुझे आया था सर मैं यहाँ बहुत सारे बैठे हैं हम लोग स्कूल खुल जाए तो हो ही नहीं सकता और आप लोग स्कूल को खुल जाए हम होने ही नहीं और इस सिलसिले आगे बढ़ते रहते हुए मैं जैन भाई को विनय करना चाहूँगा कि हाँ जो भी 2007 से आज का लिखा जोखा जो भी है वो लिखा जोखा ऊपर सबका साल रेस्पेक्टेड और मैं टीचर लविंग टीचर समस्तों को नमस्कार माही साहब नमस्कार सर्वसंसार नमस्कार
सतर वर्ष हो गला मुझे काम करवाटा सब बहुत बढ़िया प्रोफेसन पाई सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं तो नौकरी में इतना प्रोफेसन मिला बड़ी बात है किसी से मेरा कोई नहीं थी उनसे लेके और सारे सब अभी न्यू स्टाफ जो साइंस में भी आए हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे फिर सर में तो होती हूँ उनको भी और ज़्यादा टाइम रहता था और अच्छा स्कूल में और बहुत अच्छा होता और क्या मेरा हो रहा है अंदर मैं क्यों जा रहा हूँ मैं समझ ही नहीं पा रही ऐसा पटेल साहब भी बोला है कैंसिल कर दो कैंसिल कर दो लाइन में कैसे क्या होता है मैं हमेशा ही ये स्ट्रगल को हमेशा ही अपने ऊपर लेता हूँ जैसे ऐसे ही उसको सुलझाता है ऐसे तो मेरा करियर ऐसा भी बीकॉम में किया था और बीकॉम भी मेरा अच्छा था बहुत अच्छा था आई सर बैच में डूंगी कर हम लोग 11 फर्स्ट क्लास भी पाए थे इसके आगे 8 लोग फर्स्ट क्लास पाए थे और इतना 97 में हम लोग 11 फर्स्ट क्लास आए थे तो हमको बहुत ये किए थे डूंगी वाली में इतना साहब के इतना मुझे बहुत खुशी भी लगता है इतना जो भी होता है स्कूल में और पटेल साहब भी इतना एग्जाम में इतना बहुत अच्छा लगता है काम करने में और माजी साहब भी बहुत जो भी काम तुरंत हो जाता है पहले तो ऑफिस में हम लोग कोई बिल करने से हमको देना भी पड़ता था अभी जब केंद्रा पर साहब तो घर का लाइव अटेंडेंट संतोष मानती और अपने संपर्क जो दास साहब थे तो लोग भाई ना बुलाते हैं भाई भाई बुलाते हैं ऐसे भी होते हैं अगर साथ आए होते उनके साथ इनसे इतना मिल के रहते हैं तो उनका रिलेशन थोड़ा हो जाता है उनकी जो बोर्ड लगे थे साल इधर से गंदा रोड से उधर नहीं जाए बोलते काम जो भी काम होता है वो लोग बोलते हैं फटाफट हो जाते हैं जो भी काम बोलते इधर भी सब इतना अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है सारा जो है चाहे कुछ भी कर लें लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि एक बार एक सेशन छोड़ने के बाद दूसरा स्टेटमेंट जो काम करते हैं चाहे पहले एक दो साल रहेगा वहाँ मैं कह सकूँ लेकिन इसके बाद ऐसे काम के बोझ में लोग भूल जाते हैं ये हकीकत है कि मेरे हर जिंदगी में तो देखेंगे इस सिलसिले को कितना हमारा प्रिया मैडम यहाँ चले जाने के बाद कभी कभी एक दो साथ रहेंगे याद में हम लोग लेकिन बाद में फिर नया नया दोस्त नया शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे मिट जाता है ये प्रैक्टिकल हकीकत है तो अभी प्रिया मैडम से निवेदन करना चाहूँगा उनके बारे में हम 12th पास किए थे कि हम स्कूल नहीं जाते थे मतलब वीक में दो दिन हम मैक्सिमम स्कूल जाते थे हर वीक में दो दिन क्योंकि हमको स्कूल जाना पसंद नहीं था 12th पास कर लिए उसके बाद हम इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया केमिकल इंजीनियरिंग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब वहाँ जाने का टाइम आया तो हम जिद कर दी जब हम नहीं जाएंगे बहुत रोए धोए ट्रेन का टिकट कटा हुआ था हम गए नहीं जाएंगे नहीं मम्मी पापा नहीं भेजे फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन करने के बाद पापा के दोस्त का कॉलेज था वहाँ पे जबरदस्ती पापा बी एड करवा दिए जबरदस्ती बी एड करवा दिए भैया नवोदय का फॉर्म भर दिए सीटेट का फॉर्म भर दिए नवोदय का फॉर्म भर दिए पापा जबरदस्ती लेकर एग्जाम दिलवा दिए जब रिजल्ट आए हम रिजल्ट छुपा लिए जॉब के लिए हम नहीं जाएंगे तो फिर रिजल्ट आया सबको पता चल गया सुबह रोल नंबर दो चेक करेंगे हुआ तो पता चल गया जाना था नोएडा इंटरव्यू देने के लिए अब वहाँ भी बहुत जिद की हम नहीं जाएंगे नोएडा नहीं जाएंगे क्योंकि हमको घूमना पसंद नहीं था तो फिर भी जबरदस्ती में जाया गया नोएडा वहाँ इंटरव्यू हो गया फिर फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा रैंक 35 था इंटरव्यू का 25 आया था ऑल इंडिया तो वहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ लेकर प्रवास जो नेचर के साथ वो हमेशा याद रखेंगे और पता नहीं कितना याद रखेंगे आसाम जाते हुए कोई गुड इवनिंग एवरीवन।
जैसे जयंत ने बोला कि पता नहीं मैं क्यों ट्रांसफर ले रहा हूँ कि कुछ कमी नहीं है स्कूल में, ना स्टाफ में, कलीग्स में, अथॉरिटी में, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप लोगों ने, कईयों ने मुझे बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट देखने के लिए मिली, बट ये अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? क्या मैं इतना स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम हो पाती, कर पाती? मतलब सर से आने से पहले रामलिंगम सर को भी सर एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे एक बार फ्री चाहिए अकेडमिक आर में, चाहे मेरा बाद में ड्यूटी लगा दो। इमीडिएटली सर ने पटेल सर को बोला, पटेल सर ने मतलब भोई सर ने दोनों ने मिलकर टाइम टेबल ऐसा सेट किया कि अभी भी मेरा वो 1 आवर फ्री रहता है, सेकेंड थर्ड पीरियड अभी तक चलता है, सिर्फ कि ताकि मैं अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम कर पाऊंगी। और यही रीज़न है कि शायद अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपना 100% यहाँ पे दे पाई हूँ, और ऐसे ही अगर वर्किंग वुमेन को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो हर जगह पे सक्सेसफुल ही रहेगी। बाकी प्रिंसिपल जैन भाई के बिना तो मतलब प्रैक्टिकल असंभव ही है कि समान तो जैन भाई ने चार हैंड ओवर किया होगा, एक भी चीज़ इधर उधर कुछ भी नहीं है, जैसी जैन भाई ने हैंड ओवर की थी वो अभी भी वैसी की वैसी है, कोई सब इतना प्रॉपरली मेंटेन लैब्स। इंस्पेक्शन में भी हमेशा हमें अप्रिसिएशन ही मिलती है, हर लैब के लिए अप्रिसिएशन मिलती है, सो दैट क्रेडिट गोज टू जैन भाई ओनली। जैन भाई बहुत अच्छे लैब असिस्टेंट और एग्जाम डिपार्टमेंट में भी हमने साथ में काम किया है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रिया इज जस्ट लाइक माई यंगर सिस्टर, और प्रिया हम बाहर इतना घूम पाते हैं, ये तो बिल्कुल छोटी बहन जैसे। तभी जब इसका ट्रांसफर करवाया तो थोड़ा सा एक सेटबैक सा लगा कि पिछले साल नर्स मैम चले गए थे, दीपा मैम चले गए थे, अब मैं कैसे रहूँगी। उसके बाद फिर देखा प्रिंसिपल सर का भी आया, फिर मैं कहा अब तो जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, मैं कैसे रहूँगी ऐसे करके बिना सर के, बिना मैम के। सर इतने सपोर्टिव, मतलब सर की क्वालिटीज अनगिनत है जो आप सीख सकते हैं सर से। पहली उनमें से कुछ ये, पहली अपने कर्म को अपनी पूजा समझिए, जो कि सब लोग यहाँ पर करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो एक तो काम छोड़ रहे एम्प्लॉय बोलते हैं ना गवर्नमेंट अच्छे से अपना 100% दे। वहाँ पे भी हम लोग इतना अटैचमेंट होता था, मतलब यहाँ पे जितना अटैचमेंट हुआ है स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ, टीचर ग्रुप के साथ, इतना खेलते हुए नहीं होता। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं वो लोग सब कभी भी ऐसे नहीं देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल है कोई है, सब अपने छोटे भाई के तरह मुझे देखते हैं, सलाह दिए हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। और मैं आगे कहीं पर भी जाऊँगा तो मैं यहाँ पे जो कोई सीख के गया हूँ वो अप्लाई करूँगा, और किसी भी चीज़ में कुछ मेरे से तो उसके लिए सॉरी। सर के बारे में क्या बोलूँ, जब मेरे जीजू का डेथ हुआ था उस टाइम सर बहुत मुझे हेल्प किया, अभी भी मुझे पूछते हैं कैसे हैं दीदी, ऐसे पूछते हैं, बस ये बताते हैं कि मैं बता नहीं सकती सर के बारे में, अभी उसने सर बहुत याद किया। और जब मैं आई थी प्रिया मैम और नीति मैम बहुत मुझे हेल्प किए, इसके बारे में बहुत मिस कर रही हूँ। उपस्थित विदयी शिक्षक साथियों, उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी संदर्भित साथियों, मेरे रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर मिला ये न्यू सोनपुर में आने का, और इस विद्यालय में आने के बाद मैंने अपना जो अनुभव देखा, जो अनुभव पाया, और पहले से भी जो हमारे पूर्व परिचित शिक्षक थे जिसमें पटेल सर हैं, गोई सर हैं, मिश्रा सर हैं, वो थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस था थोड़ा कष्टदायक था, क्योंकि वहाँ मेरा कोरोना हो गया था और 20 दिन हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और मेरे जो साथी थे वहाँ के शिक्षक साथी तीनों का देहांत हो गया, हम चौथे। अब उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद के भी हम गए कुछ महीनों के बाद, अब थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा, घर में मना कर दिए घर में। उसके बाद
वही साहब और महाते साहब का फोन आया कि आपको यहाँ आना है। जैसे ही सुने वो ऑटोमेटिकली शरीर का भीतर से एक एनर्जी क्रिएट हुआ कि हाँ भाई यहाँ जाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद आए प्रिंसिपल एंड माय डियर रेस्पेक्टेड कलीग्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। As everyone is saying, I may come. Okay, so I may come, I may not come. So I take this opportunity to thank everyone. It was really a learning experience with everyone, and I would like to say it was actually great working with everyone. And what to say about our honorable principal sir? He is blessed with infinite qualities, and from there I would like to pick one, that he is really a true gentleman with complete integrity. He is very grounded. And when I joined last session, you might have seen that computer lab was just like a garbage. And during library sir, when he was delivering his speech, he told that he was having that drop of tears in his eyes. The same. करें पहना मैं बुनाना चाहूँगा हमारा शास्त्री सर को जगन्नाथ शास्त्री सर। साल पूरा हो जाएगा जब तक रिलीव हो जाएंगे, लेकिन 3 साल का जो भी बहुत कुछ हम लोग बोले सर यहाँ से छोड़ के कहीं भी जाएं सोनपुर भी याद रखेंगे, हमको याद रखेंगे, क्योंकि सर का जो अनुभव है 17 विद्यालय जो बोल रहे थे तो इतना सर बहुत कम लोग सर बता रहे थे, बहुत अनुभव है सर, ज्ञानी हैं और अनुभव सर को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो अभी सर को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हाँ उनका 3 साल का जो भी अनुभव उनको सर को स्टाफ मेंबर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रियली बोलने से ये फेयरवेल दे रहे हैं कि हम कब जाएंगे, बिल्कुल लेकिन हम वेट कर रहे हैं किस तरीके कब हो और आप कब जाएंगे। तो ऐसे नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्कूल में 3 साल होने वाला है, जितना दिन भी रहा बहुत अच्छा से रहा। और एक मैं ऐसे एक स्थिति में रहा कि मेरा 4 साइड में पूरा का पूरा स्टाफ घेर के रहे, मुझे पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी का साथ, पूरा प्रोटेक्शन का साथ मैं आपका बीच में रहा। वही लव अफेक्शन या सबका जो ये से मैं कभी दूर भी नहीं गया। और मैं एक ही सोचता हूँ कि जहाँ पर भी रहता हूँ जो भी मेरा एरिया है, जो भी बाउंड्री है, वही मेरा फैमिली है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा मज़ा लेता हूँ और उसमें मुझे बड़ा आनंद मिलता है और ये रियल जो बात है। और मैं चाहे असम में जहाँ पर भी रहता हूँ, एक बार मैं था रायगढ़ में, वो 6 महीना एक बार घर नहीं गया, यहाँ पे 5.5-6 महीने, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ स्टाफ में ये सब मेरा फैमिली मेम्बर है, ये हमारा घर है, सब बच्चे हैं, इतना सारा है, बड़ा मज़ा लगता है, ये एक अंदर से आ जाता है जब काम करते करते। दूसरा बात है कि हर एक स्टाफ मेम्बर चाहे किसी टाइप का भी 7:30 याद है ना, अगले साल इसी दिन हम लोग वहीं बैठे होंगे, छोड़िए महानी सर मैं और पड़े सर बैठे होंगे, ये तो आता आना जाना कहानी है। और अभी विद्यालय तरफ से हम लोगों तरफ से जो हमसे विदाई हुए जा रहे हैं, दिल से नहीं सर से जा रहे हैं, उनसे हमको शुद्ध दिन भेंट करना चाहेंगे। और शुद्ध दिन के स्वरूप रूप में हम लोग हम इसी एरिया का जो है सूट दे रहे हैं ताकि हम लोग याद में रहे, और तो याद रखे फटे नहीं, जब फट जाएगा फिर हमको इधर बैक पटन दे देंगे गारंटी के साथ देंगे, तो उसे याद रखेंगे। इसलिए अभी हम लोग सब जाए।
उधर देखिए उधर।
चले गए।